अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग जो है वो मरी जा रहे हैं। तो नाइट का हमारा प्लान बना है कि जो है ना आज हमने नाइट जो है मरी मार रोड पे स्पेंड करनी है और दीगर जो जगह है वहाँ पे। तो एक रात का जो मंज़र होता है वो भी देख लेंगे इसी बहाने कैसा होता है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बाइक निकालता हूँ, तो फिर चलते हैं सफ़र पर। तो बाइक यहाँ पर है, अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ। फिर मरी जाके रास्ते में भी जाएंगे। आज इंशाल्लाह बाइक का जो शोर है, जो नॉइज़ है, वो आपको नहीं नज़र आएगी। तो चले निकलते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं जिगा गली में। आज कोई बाइक का शोर आपको नहीं दिखाया मैंने, रास्ते का कोई व्यू आपको नहीं बताया, क्योंकि शोर होता है, डिस्टर्बेंस होती है आप लोगों के लिए। जिगा गली है। ये जो जगह है, रोड है, ये पीसी बुर्बन की तरफ जा रही है। पीसी बुर्बन से याद मुझे आया कि एक दोस्त ने पीसी के बारे में पूछा था। तो पीसी जो है वो बंद नहीं थी, उसकी काफ़ी वजूहत भी हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गैदरिंग होती है, और दूसरा ये भी है कि वहाँ पे बियर वगैरह, अल्कोहल वगैरह भी, और फिर ऐसी सिचुएशन है, ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में उसे क्लोज़ ही रखा गया है, तो वो क्लोज़ ही है। और बाकी जितने भी शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, वो जो हैं ओपन हैं। ये यहाँ से नीचे कुछ नज़र ही नहीं आता भाई, बड़ा अच्छा व्यू होता है इसका, लेकिन अंधेरा क्या करें, चलें कुछ नहीं। अच्छा, फ्लैश कितना काम करेगा। चलें कुछ नहीं, तो बंद कर देते हैं फ्लैश को। अभी जो यहाँ का वेदर है वो तकरीबन आसमान जो है ब्लू है, और अभी हम लोग यहीं से जाएंगे मरी की तरफ भी। तो रास्ते की जो वीडियो है वो नहीं बना रहा था कि वो इशू ना हो आप लोगों को, वैसे अगर बना भी ली मैंने, लेकिन यह है कि अभी अंधेरा इसमें आप क्या देखेंगे, वरना मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर देता, इसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन देखने वाली सूरत हाल नहीं है। तो चलें अब लोग, हम लोग मरी की तरफ चलते हैं, फिर वहीं से फिर जो है ना बाकी जितनी भी सिचुएशन है आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो अभी ये शॉप जो है यहाँ पे बंद होना शुरू हो गई है। और रहमान मेडिकल स्टोर बर्गर, तो हम लोग जा रहे हैं मरी की तरफ। तो फिर मरी जाके आपसे मज़ीद बात होती है। अभी यहाँ पे शॉप्स तो ओपन है और कुछ बंद भी हो चुके हैं, क्योंकि ये कमर्शियल मार्केट नहीं है, यहाँ पे लोकल लोग जो होते हैं। तो बाकी जितनी ये कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप वगैरह, जनरल स्टोर है, वो तो ओपन ही है, बाकी बंद है। जुनेद भाई सॉरी, फोकस नहीं किया आप पे मैंने। तो हम लोग अभी मरी के लिए निकल रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके आपसे मज़ीद बात होती है। ये है जी आपके सामने जी पी ओ चौक, कुछ नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत नज़र आएगा आपको। लाइट शॉप की भी है, ये मरी है, और इस तरफ मार रोड है, अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये घोड़ा भी है यहाँ पे, घोड़ा नज़र आया आपको, ये है जी घोड़ा। तो अभी आगे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, लाइट बहुत ज़्यादा ऑफ की है, ये पता नहीं क्या चक्कर है यहाँ पे। यूज़ कर लें, फिर आगे निकलते हैं। बंद है, उधर चलते हैं। बंद है जी शॉप्स, यहाँ पे भी बंद है, मीन्स के नहीं है वैसा माहौल नहीं है यहाँ पे, लोग हैं थोड़े बहुत हैं, लेकिन उस तरह से शॉप्स ओपन नहीं है। मेरे ख्याल से ये शॉप्स बंद हो जाती है जी 7 बजे, हाँ ये इस वजह से है जी, ये रश क्राउड का मसला नहीं है, बल्कि ये 7 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं। SOPs पे अमल हो रहा है यहाँ पर, कैंट एरिया है इस वजह से। तो ये बंद है, बाकी मेडिकल स्टोर और कुछ जूसर्स और रेस्टोरेंट्स ओपन है, और क्या है,
बस ये चीज़ है ओपन, बाकी बंद। अब देखें कितना अंधेरा मार रोड पे, कभी आपने सोचा होगा कि ऐसा भी अंधेरा होगा मार रोड पे? भाई यहाँ पे तो रात 3-3 बजे तक सुबह जो है ना आप लाइट्स देखते थे। चले कोई नहीं, अल्लाह रहे। चलेंगे एटीएम में यहाँ यूज़ कर लें, फिर आगे निकलते हैं। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सारी रात चलते चलते। खाली है जी सारी सीट्स, ये जगह भी खाली है जी। अच्छा जी, क्या देखा जाए भाई यहाँ पे, देखने लायक तो छोड़ा ही कुछ नहीं है यहाँ पे, सारा कुछ बंद किया हुआ। कुछ कॉफ़ी शॉप्स, टी शॉप्स, इंस्टॉल्स, होटल्स, बस ये वो भी थोड़े बहुत भी कहीं कहीं। चिकन बिरयानी सिर्फ 800 मौजूद है। देखें और क्या दिखाया जाए आपको, कुछ खास नहीं है यहाँ पे देखने लायक। बस वीरानी है जी यहाँ पे, सीधे साफ स्ट्रेट वर्ड्स में। बहरहाल कपल्स जो हैं उनके लिए बेस्ट इन्वायरमेंट है, वो यहाँ पे इजीली घूम फिर सकते हैं, बैठ उठ सकते हैं गपशप। और जो फ्रेंड्स अपनी गैदरिंग चाहते हैं उनके लिए ज़बरदस्त जगह, जो सुकून वाली जगह चाहते हैं वो भी है। अब मार रोड वैसा नहीं है जहाँ पे आप जाएंगे रश क्राउड और एंजॉय जाके करेंगे घूमें फिरेंगे, बस ये वो जगह है जहाँ पे सुकून आपको मिलेगा, बस की रेली सी जगह आपके लिए। और खाने पीने का इंतज़ाम होता है भी रात को, क्योंकि अक्सर हमारे माइंड में ऐसा होता है कि यार होटल्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तो फिर भी ये जो बिरयानी के पार्सल्स वगैरह आपको मिल सकते हैं यहाँ पे वो हैं। बाकी होटल्स जो हैं उनकी भी टाइमिंग वही है, वो बंद है, लेकिन ये है कि स्टॉल आपके लिए लगे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारा कुछ ही आपके सामने। ये आइए जी आपकी दूसरी साइड मार रोड, KFC एंड उस्मानी की तरफ। होटल्स बंद, साफ सुथरे, कोई चेयर नहीं है यहाँ पे, सफाई का खास ख्याल। और ये किसी भाई ने बड़े सफाई का ख्याल रखा है, यहाँ पे पास ही डस्टबिन पड़ी है, लेकिन उन्होंने वहीं पे छोड़ना ज़्यादा मुनासिब समझा इसको। बाकी ये आपकी फास्ट फूड वाले अवेलेबल, आगे चलते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आगे कुछ है, लेकिन चले चल के देख सकते हैं, हो सकता है। अक्सरियत वैसे उस तरफ होती है, कोने में बेचारे बैठे रहते हैं, गपशप लगाते हैं, जगह भी ठंडी है, अच्छी जगह। जुनेद भाई आज आप बहुत स्लो हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ चक्कर तो मुझे पता है, जी जी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, वो भी किसके साथ हो रही है, बस चले खैर है, सही बात है, कोई बात नहीं है, डिस्क्लोज ना करें। जी 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 ऐसे ही है, उसे इनक्लोज करेंगे सर।
कोई इशू नहीं है, आप जारी रखें इस बात को। KFC ओपन है जी, चले एक और इन्फॉर्मेशन मिली इस रिलेटेड कि KFC भी आपको अपने फास्ट फूड आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ से। और आगे जहाँ तक की बात है तो मुझे आगे लाइट्स ही नज़र आ रही हैं, चले लाइट से ही होके आते हैं फिर देखते हैं। अब हमारी मार रोड की तो नाइट कंडीशन तो आपको पता ही है, अब जिसे नाइट कंडीशन यहाँ की पसंद है वो यहाँ पे आए, जिसे नहीं पसंद तो वो रेस्ट मारें आप, क्योंकि वो जो हंगामा और घूमना फिरना रश क्राउड लोग मेल फीमेल स्किट्स यंगर ओल्डर एल्डर वो चक्कर अब नहीं है यहाँ पे। अब कुछ हमारी तरह होंगे बेचारे छड़े, और कुछ कपल जो हैं बस वो आएंगे और फिर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी रश काफ़ी है। फिर वो होटल्स और वो फिर उन गेस्ट रूम्स फ्लैट्स शॉप्स उन पे रश क्राउड एक हंगामा, वो बहुत एक मज़े का सीन हुआ करता था, वो अब नहीं है। अब देखें यहाँ पे हम दोनों हैं जो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, और कोई बंदा भी नहीं है अभी इस रोड पे, तो ये हाल है यहाँ का अब। लेकिन क्या करें अब इसे, तो ये था जी आपका मरी, अब लव मरी, और यहाँ की जो थी जितनी भी अपडेट्स आप तक पहुँच चुकी हैं। और एक बात और लास्ट में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे अभी भी कमेंट मैंने पढ़ा एक बंदे का, एक भाई साहब है वो माज मालिक हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या रेट है। देखिए जो पिंडी इस्लामाबाद है उससे तो जाहिर सी बात है मरी का प्रॉपर्टी जो है वो रेट कम है। हाँ अलबत्त अगर हम मरी मार रोड की बात करेंगे तो वो आपके कराची के डिफेंस और बैरियर टाउन से भी यहाँ का रेट ज़्यादा है, क्योंकि मार रोड तो फिर मार रोड है तो उसके तो रेट ज़्यादा है। लेकिन यह कि अगर बैक साइड पर आप लेना चाहें तो आपको सस्ते मिल जाएंगे, इतने महंगे नहीं होंगे, 2.5-3 लाख 4 लाख 5 लाख में मरला। पीसी बुरपन वाली साइड में जाएंगे तो आपको 7-8 लाख रुपये में मरला मिलेगा। रोड से थोड़ा सा दूर होगा तो फिर आपको 2.5-3 लाख में मरला मिल जाएगा। जैसे जैसे रोड के पास आएंगे और जैसे जाए जहाँ जहाँ गैस लगी है वहाँ पर आएंगे, जहाँ मरी के करीब करीब तर आएंगे, सनी बैंक के पास आएंगे तो फिर आपको 5-6-7 लाख रुपये मरला। लेकिन अगर मरी की बात करेंगे तो यहाँ पर तो आपको जो है ना 50 लाख का भी मरला मिलना मुश्किल है। ऐसे हैं रेट्स यहाँ पर, तो अपना ख्याल रखें, हमें नहीं जा सकते, उनके साथ हम भी चले जाएंगे। अपना बहुत सा प्यार हमारा हमारे लिए दुआएं, ये भी है यहाँ पर तो ज़्यादा थे। फिर हमें बाकी बहुत दुआओं के साथ और हमारी बहुत की दुआओं के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे, और थोड़ी क्या चिनार मरी से हम लोग आपसे जाना चाह रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। और आज तो शब्बा खैर भी आपको कहना पड़ेगा, तो चलें ठीक है, खुदा हाफिज़।